हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी प्लांट्स केयर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरे कुछ प्लांट्स नर्सरी से लाए हुए रखे हुए, और कुछ मुझे पुराने प्लांट्स की भी रिपोर्टिंग करनी थी। तो मैंने अपने जो भी प्लांट्स हैं सब निकाल लिए हैं, और अब एक एक करके मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं शमी के प्लांट को पोट से बाहर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे मुझे अभी रिपोर्ट नहीं करना था, पर मुझे इसमें कोको पीट मिलानी थी, क्योंकि ये जो प्लांट है ये खाली मिट्टी में ही लगे हुए थे, और इससे क्या हो रहा था कि मेरी जो बालकनी में है वो वजन ज़्यादा बढ़ गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मधुमालती का प्लांट है, और इसे भी मैंने निकाल लिया है। इसकी जो एक्स्ट्रा ये जड़ें हैं उन्हें हम हटा देंगे, और जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे भी हम हटा देंगे। तो ये भी मैंने इसलिए निकाल लिया है क्योंकि ताकि मैं एक साथ ही इनकी मिट्टी तैयार कर लूं। ये सब मैंने एक्स्ट्रा जड़ें हटा दी हैं, अब मैं एक्स्ट्रा मिट्टी भी हटा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनके लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो बस मिट्टी मैंने उसी तरीके से तैयार की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हल्की हो जाए। जो है ये मैंने कोको पीट इसमें मिला दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोको पीट जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलाई है, क्योंकि ये मुझे बालकनी में लगाने हैं, और इसी वजह से इन प्लांट्स को मैंने निकाला था, क्योंकि मुझे इनका वजन हल्का करना था। तो अब हम इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। इसी तरीके से बस आप भी अगर अपने प्लांट्स लगा रहे हैं तो मिट्टी इसी तरीके से तैयार कर लें, इससे क्या है मिट्टी हल्की हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना सब खाली कर लिया, और इस तरीके से जो पुराने तख्ते पड़े हुए थे वो मैंने लगा दिए हैं। अब इसी पे मैं अपने प्लांट्स रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं।